दोस्तों गुड मॉर्निंग। ये उत्तराखंड है जहाँ मैंने पहले भी आपको अच्छी अच्छी सीनरी दिखाई हैं, लेकिन आज देखिए दोस्तों पूरा उत्तराखंड में आग लगने से पूरा धुआं ही धुआं हो गया। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा चारों तरफ इतना स्मोक हो गया दोस्तों कि दैट सांस लेना भी जो है दुर्लभ हो गया। नहीं तो यहाँ सूर्य अभी जो है सूर्य सनराइज हुआ था दोस्तों, कितना अच्छा मतलब एकदम मौसम हुआ करता था, लेकिन आज देखिए पूरा सब धुएं से पूरा उत्तराखंड जो है भरा। विजिबिलिटी दोस्तों 1 किलोमीटर भी नहीं है, जबकि पहाड़ में इतना अच्छा सीनरी दिखता था, इतना विजिबिलिटी था, लेकिन ये धुएं से ऐसा हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। और चिड़ियाँ देखिए ये दोस्तों, आपको चिड़ियों की भी आवाज़, तीतर की आवाज़ सुनाई दे रही है। तीतर देखिए सुबह सुबह अपना ये तीतर की आवाज़ सुनाई दे रही है, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन इनके लिए भी सांस लेना दुर्लभ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है धुआं इतना ज़्यादा हो गया है, धुएं से जो है यहाँ पर उत्तराखंड पूरा, और इसी वजह से जो है जो टूरिस्ट को भी ये अफेक्ट करता है दोस्तों। उत्तराखंड सरकार क्यों सो रही है ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग कुछ तो, एक सिंगल पर्सन ऑल्सो नॉट रेजिंग देयर वॉइस, कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि इधर आग लग गया। एवरी बडी जस्ट नॉर्मल, आग लगी लगने दो, जंगल नष्ट हो गया होने दो, वातावरण स्पॉइल हो गया होने दो, कोई नो बडी वरी। दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू ऑल ये YouTube के चैनल से कि आप इसको उत्तराखंड के शासन तक पहुंचाओ इस चीज़ को। मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूं, ये फ़ोटो कैसी हैं, चिड़ियों की क्या हालत हो गई है, इनकी सांस लेना मुश्किल हो रहा है। नहीं तो देखो बर्ड्स, आपकी आवाज़ को चिड़ियों की आवाज़ सुना दी हो दोस्तों, इतना अच्छा सुंदर मौसम था यहाँ, ये बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। ये देखिए ये तीतर है, वो कोयल है, कोयल हैं, और ये दूसरे टाइप की कोयल है कोई पहाड़ की, और ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, और साथ में आपको इसका ये धुआं दिखाई दिया होगा पूरा। देखिए दोस्तों इतना धुआं है दोस्तों, देखो पूरा विजिबिलिटी आपके दोस्तों 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर से विजिबिलिटी कम है। अभी ये सनराइज देखिए दोस्तों, सनराइज भी होगा लेकिन आपको न सन दिखाई दे रहा है न उसकी एरिया दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में प्रशासन तक पहुँचाओ, इसको इतना आगे तक बढ़ाओ कि प्रशासन कुछ इसमें हरकत में आए। जिस प्रकार अभी दिल्ली में एक दौड़ता हुआ लड़का प्रदीप मेहरा जो अपनी उसे जो अपनी मेहनत से और उसमें अपने मतलब चैनल के माध्यम से लाइट पर आया, उसी तरह इसको भी आप इतना फैलाएं कि उत्तराखंड के लोगों को, इस प्रशासन को पता चले कि यहाँ पर लोग रहते हैं और दे वहाँ ऑल्सो उनको भी कुछ चाहिए, और आप लोग कुछ करें और कुछ करें। तो दोस्तों इसको प्लीज़ आप आगे जितना हो सके उतना फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। और आप भी सोचिए कि क्या ये सही है या गलत है, इस चीज़ को आप लोग भी सोचिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।